और कार्यक्रम में आज बात होगी भारत कनाडा के बीच जारी तनातनी में आ रहे नए नए मोड़ों की। कनाडा के पीएम ने बिना सोचे समझे भारत पर अनर्गल आरोप लगा तो दिए, लेकिन ट्रूडो के आरोप अब उनके ही गले की फांस बनते जा रहे हैं। शायद ट्रूडो ने सोचा नहीं था कि उनके बेबुनियाद आरोपों पर भारत से इतनी तीखी और सख्त प्रतिक्रिया मिलेगी। न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने एक्शन से भी भारत लगातार यही बता रहा है कि ट्रूडो की बेतुकी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। सवाल है, कनाडा के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए क्यों बाध्य हुआ भारत? ट्रूडो की नासमझी ने भारत कनाडा रिश्तों को ही दांव पर लगा दिया है। चंद खालिस्तानियों के लिए उन्होंने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कनाडा के राजनयिक का निष्कासन, वीजा सर्विस का निलंबन और फिर कनाडा को यह बताना कि उसके राजनयिकों की संख्या भारत के मुकाबले ज्यादा है। मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके राजनयिकों को खुले आम धमकी दी जा रही है और कनाडा की सरकार खामोश है। That in English, you are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. जिस आतंकी निज्जर के लिए ट्रूडो भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो गए, उस आतंकी की हत्या से जुड़े सबूत उन्होंने अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। इस हत्या की जांच कर रही एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP भी अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं तलाश पाई है जिससे भारत की संलिप्तता साबित हो सके। लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो ने कनाडा के खालिस्तानियों के वोट बैंक के लिए भारत पर तोहमत मढ़ने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन अब उन्हें इस भूल की कीमत चुकाने को बाध्य होना पड़ रहा है। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. घरेलू फायदे के लिए दो देशों के रिश्ते को खतरे में डालने वाले ट्रूडो ने आरोप लगाने के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया है। जब भी उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो भागते नजर आते हैं। जब ट्रूडो के हवा हवाई आरोपों पर घर से लेकर दुनिया तक सवाल उठाए जाने लगे तो उन्हें एक बार फिर से भारत की अहमियत याद आने लगी है। There is no question that India is a country of growing importance. And a country that we need to continue to work with, not just in the region, but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. दरअसल ट्रूडो ने खालिस्तानियों के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ आरोप तो लगा दिया है, लेकिन ट्रूडो के पास सबूत के नाम पर एक थेला तक नहीं है। यही वजह है कि कनाडा में विपक्षी दल ट्रूडो से सबूत मांग रहा है। कहा ये बिल्कुल गलत है, अपसर्ड है, मोटिवेटेड है, आपके पास कोई सबूत नहीं है और हम ऐसा बिल्कुल कभी कुछ करते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने साफ दोहराया है। लेकिन उसके बाद कनाडा में भी हमने देखा कि ट्रूडो के लिए कुछ खास सपोर्ट भी नहीं आ रही थी। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने साफ कहा कि ये उन्होंने बयान तो दिया है पार्लियामेंट में, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कोई सबूत तो देखी नहीं है। आप मुझे दिखाइए, कुछ सबूत दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। काम जो है ये बिल्कुल एक गलत काम है और हमने और सही जवाब दिया है। भारत की सख्ती से कनाडा सकते में है। उसने भारत से इस तरह के जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कनाडा ने जिस तरह से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश रची, उसके बाद कनाडा को इस तरह का जवाब देना भारत के लिए जरूरी हो गया था। कनाडा के खिलाफ एक्शन से भारत ने साफ कर दिया है कि उसके खिलाफ किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।